किसान आंदोलन के समर्थन में जनपद मुख्यालय पौड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाता का शोषण कर रही है। आज कांग्रेस, आप व वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर केंद्र सरकार के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र को भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है, केंद्र सरकार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, देश को अन्न देने वाले किसानों को जेलों में ठूसा जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष नेगी ने कहा कि वे सभी किसान के साथ हैं और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता वे सब संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता नीलम रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, जब तक केंद्र सरकार इस किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो भाजपा सरकार ने 3 बिल पास किए हैं ये सभी किसानों के विरोध में हैं और हम इन्हीं बिलों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने हमारे देश को, जो हमारा देश था, इसको पूंजीवादी देश बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी हमारा गवर्नमेंट पार्ट था वो सब प्राइवेट्स में देते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है। अब आप किसानों से ही ले लें तो आजकल ही देखिए अभी सब्जी के दाम कितने आसमान छू रहे हैं, और जब ये किसान विरोधी ये जो बिल है जो किसान के विरोध में अगर ये पास हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी उनको उसको अपनी खेती का वो दाम नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से हमारी जो भी सब्जी के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, और अगर यही रफ्तार रही तो ये आम आदमी के लिए सब्जी देखने के लिए वो नसीब भी नहीं होगी। इसलिए हम जो कृषि बिलों को लेकर हमारे किसान भाइयों ने पूरे देश में आह्वान किया है, भारत बंद का आह्वान किया है, इसी के समर्थन में आज तमाम तरह की पार्टी एकजुट हुई हैं, और निश्चित रूप से सभी पार्टियों ने सरकार से यही आह्वान किया है कि आप इन जो ये 3 काले कानून आपने लागू किए हैं, थोपे हैं हमारे अन्नदाताओं के ऊपर, आप इन्हें जल्द से जल्द वापस लें, MSP पर आप कानून बनाएं, इसकी गारंटी दें, लेकिन अभी तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से आज जिस हिसाब से भारत बंद पूरे भारत में देखा जा रहा है, इसी के आधार पे यदि अगर केंद्र की सरकार न तो MSP पे कानून बनाती है और ना ही ये तीनों के जो बिल हैं वो वापस लेती है, तो निश्चित रूप से यह भारत बंद आगे भी चलेगा और आगे भी जितने भी हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी हैं, मिलजुल के एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे।